तो भाई जो ग्लोबल T20 कनाडा का जो मैच नंबर 3rd है ना, इस मैच में सरे जगुआर्स के सामने होगा मोंटोरियल टाइगर्स। अगर हमें पे मोंटोरियल टाइगर्स की बात करें तो 2019 में जो ग्लोबल T20 कनाडा लीग खेली गई थी तब भी वो वहां पे दिखे थे, बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी। लेकिन सरे जगुआर्स की बात करें तो ये पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेंगे, जो पहली बार खेलेंगे तो क्या कर पाएंगे। मोंटोरियल बोलेगा हम दूसरी बार खेल लेते, दूसरी बार भी ना दमदार परफॉर्मेंस करेंगे। वैसे दोनों टीमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, तो इस खतरनाक टीमों के बीच में जब मुकाबला होगा तो काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। तो इस जबरदस्त मैच में कौन सी टीम बाजी करेगी अपने नाम यानी करेगी मैदान पते, जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो आपके लिए। बस करना क्या है आपको, पूरी वीडियो बिना स्किप करे हुए देखनी है। अगर वैसे हम इस मैच की बात करें तो सैटरडे 22 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 1 AM रात को 1 बजे से खेला जाएगा। मतलब जब हम सोने की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सिक्का उछाल के मैदान में भिड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों ये जो मैच है CAA सेंटर ब्रैम्पटन ओंटारियो में खेला जाएगा। तो भैया अगर हम यहाँ की पिच के बारे में बात करें तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो पहला और दूसरा मैच है ना वो भी इसी मैदान पे खेला जाएगा। तो उस मैच की वीडियो में मैंने पिच के बारे में सब कुछ बता रखा है, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी उनको सब कुछ पता है। अगर आपने नहीं देखी, पिच के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो पहले मैच की वीडियो जाकर देख सकते हैं। बस अभी इतना जान लो यहां का जो सरफेस है फ्लैट है, बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जो तेज गेंदबाज है जो वेरिएशन करते हैं उनको थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बाकी बाउंड्री लेंथ भी यहां पे छोटी है, इसलिए जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना उनकी भी यहां पे पिटाई होती है। कुछ विकेट मिल जाते हैं लेकिन पिटाई होती है, इसलिए यहां पे जो मैच होता है ना वो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच होता है। तो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में कौन सी टीम करेगी मैदान फतेह, ये जानने से पहले दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें यहां के मैदान पे। तो आपको पता है सरे जगुआर्स तो पहली बार खेल रहा है, लेकिन मोंटोरियल टाइगर्स की बात करें तो इससे पहले यहां के मैदान पे 5 मैच खेला जिसमें से 2 मैच जीता 3 मैच हारा। तो मतलब मोंटोरियल टाइगर्स ने इस मैदान पे अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना करी, क्योंकि 5 में से 2 जीता 3 हार गया। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम करेगी बढ़िया परफॉर्मेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे सरे जगुआर्स की। अगर हम इनकी ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो एलेक्स हेल्स के साथ मोहम्मद हैरिस। एलेक्स हेल्स की बात करें तो आप सबको पता आज के टाइम पे सबसे खतरनाक ओपनर मुझे कोई दिखता है तो एलेक्स हेल्स दिखता है। मोहम्मद हैरिस ने जिस तरह से पाकिस्तान में जो 1-2 मौके मिले वहां पे बढ़िया परफॉर्मेंस करी, PSL में बढ़िया परफॉर्मेंस करे, तो इनकी जो ओपनिंग जोड़ी है काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही। 3rd नंबर पर लिट्टन दास। लिट्टन दास की बात करें तो आप सबको पता है ना बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कौन करता है, लिट्टन दास करते हैं। 4th नंबर पर आपको परगत सिंह दिखेंगे जो कि कनाडा का लोकल लड़का है, काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। अब देखने वाली बात होगी बड़े मंच पे बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएगा या ना कर पाएगा। 5वें नंबर पर इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार अहमद की बात करें तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जब टिकते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं, तेज तर्रार पारी खेलते हैं। 6वें नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे बेन कटिंग दिखेंगे। बेन कटिंग की बात करें तो बेन कटिंग वो ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करता है और ठीक ठाक T20 में गेंदबाजी भी करके देते हैं। 7वें नंबर पर अमर खालिद की बात करें तो ये भी कमाल का ऑलराउंडर है जो कि कनाडा का लोकल प्लेयर है, काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। 8वें नंबर की बात करें मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि गेंदबाजी तो काफी ज्यादा जबरदस्त करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर ना थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, कौन मोहम्मद वसीम जूनियर। 9वें नंबर पर आपको संदीप लमीचन्ने दिखेंगे। संदीप लमीचन्ने की बात करें तो नेपाल से आते हैं और ये नेपाल का लड़का जो संदीप लमीचन्ने जो इसकी गेंदबाजी है ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इसी गेंदबाजी के दम पे इसने बिग बैश खेला, IPL खेला, CPL खेला, मतलब बहुत सारी लीग खेल चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 10वें नंबर की तो सील पटेल दिखेंगे। सील पटेल जो कि कनाडा का लोकल लड़का है, गेंदबाजी काफी ज्यादा जबरदस्त करता हूँ, मुझे लगता है आज सील पटेल को अपना दमखम दिखाने का मौका भी है। और 11वें नंबर की बात करें तो बेनार्ड स्कुल्ड जो कि नामीबिया से आते हैं, ये भी काफी ज्यादा बढ़िया गेंदबाज है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें जो टीम है सरे जगुआर्स की, इनकी बल्लेबाजी तो ठीक ठाक नजर आ रही है लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी यहाँ का जो सरफेस है वो फ्लैट है, अगर ये थोड़ा सा मतलब डिफेंड करने पे आए तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चेंज करने की बारी आएगी तो मैं भी ये कुछ भी चेंज कर सकते क्योंकि इनकी बल्लेबाजी थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है लेकिन गेंदबाजी थोड़ा सा हल्की नजर आ रही है। वहीं दोस्तों मोंटोरियल टाइगर्स की बात करें तो क्रिस लिन के साथ मोहम्मद वसीम ओपन करते नजर आएंगे। क्रिस लिन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, सबको पता काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद वसीम की भी सेम वही कहानी है, ये भी काफी ज्यादा जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। 3rd नंबर पर श्री मंथा विजय रत्ना खेलते नजर आएंगे जो कि कनाडा का लोकल विकेट कीपर बल्लेबाज है, ये भी काफी ज्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज है। देखने वाली बात होगी बड़े मंच पे क्या बड़ी परफॉर्मेंस आती है या नहीं आती। 4th नंबर पे आपको दिखेंगे सकीबल हसन की बात करें तो आप सबको पता कमाल के ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी के साथ साथ खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। 5वें नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे सरफेन रदरफोर्ड की बल्लेबाजी से मैं काफी ज्यादा प्रभावित हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करते हैं, जहां की बॉल होती है वहीं पे मारते हैं। 6वें नंबर पे कार्लेस बैथवेट तो जब रातों रात फेमस हो गए थे जब बिन स्टोक को 4 छक्के मार के वेस्ट इंडीज को चैंपियन बनाया था, लेकिन उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी आई नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि कार्लोस
ब्रेथवर्ट गेंदबाजी बहुत अच्छी करके जाते, बल्लेबाजी तो उतनी अच्छी नहीं करते, लेकिन टी ट्वेंटी में गेंदबाजी बहुत ही पकड़ी हुई, बहुत सदी हुई करते हैं, किफायती करते हैं। सातवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिलप्रीत सिंह दिखेंगे। दिलप्रीत सिंह की बात करते हैं, ये भी कनाडा का लोकल लड़का है जो कि मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर है, गेंदबाजी तो ठीक ठाक करते हैं लेकिन बल्लेबाजी देखने वाली बातों की जरूरत पड़ने पे कर पाएंगे ना कर पाएंगे। आठवें नंबर की बात करें तो जहीर खान जो अफगानिस्तान से आते हैं, काफी अच्छे लेगी हैं, जो काफी ज्यादा घुमाव भी काफी ज्यादा टर्न भी करवाते हैं, लेकिन इस फ्लैट पिच पे छोटी पिच पे देखने वाली बात होगी जहीर खान कैसी गेंदबाजी कर पाएंगे। नौवें नंबर की बात करते हैं आपको यहाँ पे कलीम सना दिखेंगे। कलीम सना भी काफी ज्यादा टैलेंटेड गेंदबाज है, बस देखने वाली बात होगी कि बड़े मंच पे कैसी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। दसवें नंबर की बात करें आकिफ रजा की बात करते ठीक ठाक गेंदबाज है लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्त या खतरनाक नहीं कह सकते। ग्यारहवें नंबर की बात करें अब्बास अफरीदी जो कि पाकिस्तान से आते हैं, और मुझे लगता है इनके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भी है, काफी जबरदस्त ये गेंदबाजी भी करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो मोन्टोरियल टाइगर्स की टीम है ना, इनकी भी बल्लेबाजी काफी ज्यादा सॉलिड काफी ज्यादा जबरदस्त नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी की बात करते एक दो गेंदबाजी थोड़ा बढ़िया नजर आ रहे हैं, बाकी गेंदबाजों को लगता है कि मुझे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनकी भी पिटाई हो सकती है। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो दोनों टीमें मुझे एक जैसी ही नजर आ रही है। चाहे हम यहाँ पे बात करें सरे जगवार्स की तो इनकी भी बल्लेबाजी मजबूत, गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की, वहीं बात करें मोन्टोरियल टाइगर्स की तो इनकी भी बल्लेबाजी थोड़ी सी मजबूत, गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की, तो मुझे लगता है ये काफी ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। मतलब हो सकता है कि आपको 250 रन भी बनते हुए इस मैच में दिखे, तो इस 250 वाले मुकाबले में क्या होगा चलो जानते हैं। लेकिन उससे पहले यार भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है ना मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी थोड़ी ना हूं, मैं तो आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूं, तो भाई का सपोर्ट जरूर करें। करना क्या भाई साहब कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो आप कर सकते हैं ना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम यहां पे देखें तो ये जो मैच है ना मुझे बिल्कुल बराबरी पे नजर आ रहा है, 50 सरे जगवार्स एंड 50 मोन्टोरियल टाइगर्स। लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मैच है ना मोन्टोरियल टाइगर्स अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना ग्लोबल T20 के अलावा मेजर लीग क्रिकेट 2023 चल रही है, जिम आप्रो T10 लीग चल रही है, तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहां पे मिलेगी मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचे, क्योंकि मेरे नाम पे ना बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, इसलिए इधर उधर और कैसे ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।